हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैंटेसी प्लेयर चंद में। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं फाइनली जो वीडियो लेके आया हूँ, लिस्टासायर और डरहम की वीडियो लेके आया हूँ ऊपर। बाकी अगर आपने ये तीन वीडियो ग्लैमोरगन वाली और समरसेट वाली और नॉर्थिंगटन वाली अगर वीडियो नहीं देखी, तो फ्रेंड इन तीनों वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। तीनों वीडियो को आप देख सकते हो हमारे वीडियोज में जाके। तो अब जो हम बात करेंगे फ्रेंड, यहाँ पर लिस्टासायर और डरहम की जो वीडियो बना रखी मैंने, इसके बारे में बात करें फ्रेंड। काफ़ी अच्छा मुकाबला ना होने वाला है यहाँ पे, काफ़ी 200 के आसपास, आई थिंक 180 से लेके 200 तक के रन यहाँ पे बनने वाले हैं। बैटिंग विकेट है, काफ़ी अच्छा स्कोर यहाँ पे हो जाता है। तो टीम मैंने बना रखी है फ्रेंड, टीम एडिट करके मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा किसको लेना है क्या लेना फ्रेंड। फोकस करना है यहाँ पर ऑलराउंडर पर, क्योंकि ऑलराउंडर यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे हैं जो वन डाउन या फिर ओपनिंग करते हैं, तो वो आपके लिए यहाँ पर काफ़ी बेनिफिट देने वाले हैं। और फ्रेंड, अब तक आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो हमारे अच्छे लगते हैं वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी फ्रेंड, यहाँ पर जो आज बाकी की जो मैचेस हैं उनकी वीडियो जहाँ तक मुझे लगता है कोशिश करूँ, मैं पूरी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ पूरी सारे मैचेस की वीडियो कवर करने की। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ, वीडियो को बिना स्किप करके देखना प्लीज़, तभी आपको समझ में आएगी हमारी टीम को आपको क्या करना है। एक एक बात को ध्यान से सुन के अपनी टीम आपको क्रिएट करनी, और टीम कॉपी ना करें आप, और यूट्यूबर्स की टीम पे ना जाएं, ये आपसे ज़्यादा रिक्वेस्ट है हमारी। क्योंकि अधिकतर लोग यूट्यूबर की उस पर जाते हैं, वो भी खेलते हैं, तो वो भी उनको उनके लिए काफ़ी ये होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि सामने वाले की टीम में क्या होने वाला है। तो ये सब चीज़ें देख के अपनी टीम क्रिएट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड, दिखा देता हूँ आपको जो लिस्टासायर और डरहम की जो टीम है, इसका जो मैच होने वाला है आज का। तो फ्रेंड, टीम मैंने बना रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ एडिट करके। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर दो ऑप्शन आपके पास विकेट कीपर में है, बट जहाँ तक मुझे अच्छा लगता है, जहाँ तक लगता है मुझे लेविस हिल यहाँ पर आपके लिए ज़्यादा बेनिफिटेबल नहीं होंगे। यहाँ पर स्टुअर्ट पॉइंटर काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी मैं तो नहीं करूँगा अपनी स्मॉल लीग की टीम में, बाकी अगर आप ग्रैंड लीग में रखना चाहते हैं एल हिल्स को रख सकते हो, ये ग्रैंड लीग के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। बट स्टुअर्ट पॉइंटर स्मॉल लीग में रहने वाले हैं, और सामने अपॉइंटेड के भी आपको यही मिलने वाले हैं। उसके बाद फ्रेंड, मैंने तीन मात्र यहाँ पर ऑल बैट्समैन लिए हुए हैं, मार्क कास्ग्रोव हैं, ग्राहम क्लार्क हैं, और उसके बाद तीसरे में यहाँ पर स्कॉट स्टील है। बाकी फ्रेंड, अगर यहाँ पर लेना चाहते हो तो यहाँ पर एलेक्स लीज को ले सकते हो। बाकी उसके बाद फ्रेंड, यहाँ पर एली को ले सकते हो, ये भी खेलने वाले हैं। बाकी यहाँ पर डर्डन को ले सकते हो फ्रेंड, ये काफ़ी आई थिंक ये तीन विकेट गिरने के बाद ही आते हैं खेलने के लिए, अगर आप इनको लेना चाहते हो तो ले सकते हो। बाकी फ्रेंड, यहाँ पर ब्रैनम खेलने वाले हैं, इनको लेना चाहते हो ले सकते हो। मैंने फ्रेंड ऑलराउंडर पर फोकस किया है, क्योंकि फ्रेंड मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे ऑलराउंडर है जो वन डाउन सेकंड डाउन आते हैं या ओपनिंग आते हैं, जो हमारे लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। बाकी चार मैंने ऑलराउंडर यहाँ पर डीआरसी शॉट है, कॉलिंग अकर मैंने नील लेक्सर है, और बैंडेन है। आप यहाँ पर लेना चाहते हो पार्किंसन को ले सकते हो, पार्किंसन खेलने वाले हैं। बाकी माइक खेलने वाले हैं, ट्रेविस्कस खेलने वाले हैं, इनको लेना चाहते हो इनको ले सकते हो। बाकी फ्रेंड, मुझे लगता नहीं है कि स्मॉल लीग के लिए अच्छा है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है। उसके बाद बात कर लेते हैं फ्रेंड बॉलर्स की। बॉलर्स में मात्र मैंने तीन बॉलर्स रखे हुए हैं, हो सकते हैं इनकी कुटाई हो जाए, बट फ्रेंड जो मैं जो लगे जो अच्छी इकोनॉमिक रेट से बॉलिंग करते हो वो मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। बाकी अगर वैसे तो मैं आपको सजेशन दे दूंगा किस किस को रखना है। पहले बॉलर में रिमिंगटन है, दूसरे यहाँ पर एरॉन लिली है, तीसरे यहाँ पर मैट वॉट्स है। ये तीन मुझे अच्छा लगे। बाकी फ्रेंड आप रखना चाहते हो यहाँ पर तो रख सकते हो ग्रिप्त को, कैलिन को रख सकते हो, बाकी यहाँ पे राइट को रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो खेलने वाले हैं यहाँ पे मैं क्रेस को रख सकते हो, बाकी ये यहाँ पे खेलने वाले फ्रेंड। तो ये थी मेरी ड्रीम इलेवन की टीम। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें फ्रेंड, कैप्टन यहाँ पर डीआरसी शॉट और वाइस कैप्टन यहाँ पर नील लेक्सटर रहने वाले फ्रेंड। आप उल्टा भी कह सकते हो नील लेक्सटर और डीआरसी शॉट को बनाते, दोनों ही सेम ओपनिंग पर आते हैं। आई थिंक नील लेक्सटर वन डाउन आते हैं और डेयर शॉट ओपनिंग आते हैं, अब अपने बॉलिंग भी ओवर पूरे कराते हैं, तो फिर ये ज़्यादा बेनिफिटेबल हमारे लिए रहने वाले हैं। टीम प्रीव्यू की बात करें फ्रेंड, ये है हमारा टीम प्रीव्यू, जो ये हेड टू हेड और स्मॉल लीग की टीम है थ्री मेंबर लीग की। बाकी फ्रेंड आप अगर ग्रैंड लीग खेले तो ग्रैंड लीग में जहाँ तक मुझे लगता है आपके ऑलराउंडर ज़्यादा बेनिफिट रहने वाले हैं, ऑलराउंडर ज़्यादा लेके। बाकी अगर आप ग्रैंड लीग में कैप्टन बनाना चाहते हो तो स्कॉट स्टील को बना सकते हो, या फिर कॉलिन अकरमैन को बना सकते हो, एरॉन लिली को बना सकते हो, ये फ्रेंड या फिर बैंडेन को बना सकते हो। ये फ्रेंड काफ़ी अच्छे रहेंगे ग्रैंड लीग के लिए। बाकी जो मुझे स्मॉल लीग में ग्रैंड लीग में टीम नहीं देता, बाकी खाली टिप्स देता हूँ आपको क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी
बाकी आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी प्ले सकते हो ग्रैंड लीग में, क्योंकि ग्रैंड लीग में लक चलता है, कोई टैलेंट नहीं चलता। ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है इतने सालों से, फ्रेंड 5 साल से खेला हूँ तो मुझे इतना एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। तो फ्रेंड इसके बाद जो मैच आने वाली है उसके पास लैंगी और वर्षागी आने वाली है, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए। बाकी फ्रेंड अगर आप टेलीग्राम पे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे अपडेटेड टीम आपको वहीं पे दी जाती है। यहाँ पर खाली डमी टीम होती है कि आपको वो देने के लिए कि यहाँ पर इस तरह की टीम आपको क्रिएट करनी है, ये प्लेयर आपके लिए मैनिपुलेट होता है। तो ये सब ये वीडियो को मोटिवेशन ये होता है। बाकी फ्रेंड आप भी लाइक करके कमेंट करें, हमें मोटिवेशन दीजिए, काफ़ी अच्छा लगता है जब हमारे वीडियोज़ पर लाइक्स और कमेंट्स आते हैं तो अच्छा लगता है। बाकी फ्रेंड अगर आप प्लेयर स्पॉट और बल्लेबाजी में इंटरेस्टेड हो तो फ्रेंड कमेंट करके हमें जरूर बताएं, व्हाट्सएप पर जरूर बताएं, ताकि हम उनकी भी टीम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं ड्रीम इलेवन पर इन्वेस्टमेंट मेरा बहुत कम रहता है, मैं नहीं खेलता ड्रीम इलेवन, बहुत कम खेलता, क्योंकि फ्रेंड कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया गया था इसके बारे में कि कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा है, मैं इसलिए यहाँ पे बहुत कम खेलता हूँ। तो अब जो देखते रहे फ्रेंड, अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी लैन और वॉर की आएगी, फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी वीडियो हर आपके वीडियो आपके पास पहुँच सके वही सबसे पहले। ओके फ्रेंड, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो मिल जाएगी आपको थोड़ी ही देर में। बाकी फ्रेंड यहाँ पर आज काफ़ी ज़्यादा मैसेज हैं, बहुत मुश्किल हो गया मैसेज कवर करना, तो कोशिश कर रहा हूँ मैं फ्रेंड पूरे के पूरे मैसेज कवर करने की, आपको यहाँ पर सारे मैसेज की वीडियो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ओके फ्रेंड, बेस्ट ऑफ लक।